एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने 20 स्टॉक से रिलेटेड बातें करी है और 20 स्टॉक्स में से 10 स्टॉक नहीं चले और 10 स्टॉक जो चलने जो चले हैं तो अगर आप एक एवरेज निकालेंगे ना तो आपको पता चलेगा यू आर इन प्रॉफिट मतलब अगर हम बात करें कि जो स्टॉक्स चले हैं वो इतने चले हैं कि वो 30 परसेंट चालीस परसेंट साठ परसेंट तक का रिटर्न दे चुके हैं और कुछ स्टॉक्स जो नहीं चले हैं वो केवल 10 परसेंट और 15 परसेंट या 20 परसेंट डाउन है और अगर आपने इक्वली पैसा लगाया बीस स्टॉक में और 10 स्टॉक नहीं चले है उनका 10 दस परसेंट नीचे निकाल लेते हैं ओके समझ लीजिए वो दस नीचे है और जो दस दस परसेंट दस शेयर हमने बताया वो आगे चल चुके हैं और वो बीस या तीस भी चल गए है ना तो दस से आ, अगर निकाल भी लेंगे ना तो भी बीस का प्रॉफिट होता है तो थोड़ा सा समझने वाली बात है सारे स्टॉक्स समटाइम्स नहीं चलते तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चलेंगे ओके okay, समय टाइम टाइम पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है टाइम टाइम पर आपको वो चीज़ समझनी भी है और देखिए बात रही मार्केट की तो मार्केट देखिए ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है गिर भी रही है उसका वो बिहेवियर है वो इस अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलेगी तो हम ऐसे नौ से दस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि नहीं चले बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर आपको सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जाके देख लीजिए आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी मैंने आज तक क्या क्या मैंने अभी तक कुछ गलतियाँ एक दो महीने के अंदर अंदर करिए उसे आप सीखने का मौका मिल जाएगा आपको भी ताकि इस तरीके की गलतियाँ आप भी यहाँ पर ना दो है। बाकी प्ले लिस्ट गो थ्रू करिए सीखिए हमारे वीडियो वीडियो में हम सिखाते हैं हम बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते हम नहीं कहते कि ये शेयर को खरीदो इस शेयर को बेचो बट हम आपको ये बताते हैं कि आप किस तरीके से शेयर को खरीद सकते हैं और किस तरीके से शेयर को बेच सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट में क्लिक करें फ्री में अकाउंट ओपन कराए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए तो आइए वीडियो की तरफ तो देखिए हम आ, कुछ स्टॉक से बातें करने वाले कितने स्टॉक्स हैं आई एम नॉट श्योर हम यहाँ पर बात करते हैं एक एक करके तो देखिए हम आ, कुछ पैरामीटर आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहला आप बात करेंगे एफ एल इंडिया एफ एल इंडिया तो देखिए अगर हम बात कर रहे थे मैंने आपको उनतीस सौ सत्ताइस रुपए के लेवल से बता रखा है बट अभी रिसेंट वीडियो बनाई थी तब आई uh, थिंक ये 5000 के आसपास चल रहा था उसके बाद से लगभग सात सौ आठ सौ रुपए यहाँ पर गिर चुका है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो आनी बहुत जरूरी थी तो अगर हम बात करें देखिए ए की लिस्ट होती है अगर मैं आपको यहाँ पर बी में ओपन करता हूँ तो बी एस पर ओपन करने पर मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ एफ तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एफ एल इंडिया ए की लिस्ट में है यहाँ पर देखिए ए की लिस्ट तो ए की काफी सारी यहाँ पर लिस्ट है मतलब स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज फोर तो यहाँ अगर बात करे ये स्टेज फोर में है तो स्टेज फोर एक आ, क्रिटिकल लेवल होता है यहाँ पर किस तरीके से आता है ये सब चीज आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं ए एस एम का मतलब क्या होता है वो आपको बता देगा एडिशनल सर्विलेंस मेजरमेंट मतलब यहाँ पर नजरें निगाहें बना के रख रखी है आप जिस तरीके से आपके कैमरे आप पे आपके घर की चौकसी करते हैं ना जिस तरीके से देखते हैं कि हाँ आप कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कोई चोर और तो नहीं आ रहा था इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से देखा जाता है और ऑपरेटर का गेम प्लान देखा जाता है कि ऑपरेटर ज्यादा भगा रहे हैं कुछ इसमें रिटेल इन्वेस्टर ना फंस जाए तो इसलिए उसके बेस पे यहाँ पर बनाया गया है फॉर द सेक ऑफ रिटेल इन्वेस्टर तो आपको यहां पर समझना होगा बाकी बुक एंट्री में आ, सब कुछ अच्छा खासा है बिजनेस अच्छा खासा है थोड़ा सा यहां पर इसे निकलने में टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ओके और कोई भी नहीं बता सकता बट एक बार यहाँ से ए एस एम की लिस्ट में निकला तो आपको बताए ये एक अच्छी खासी रैली करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर अगर बात करें इसके रिजल्ट तो क्वार्टरली बेसिस पे कंसिस्टेंट रिजल्ट अच्छे खासे देता आ रहा है नेट प्रॉफिट अच्छे खासे है ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है कंपनी के पास थोड़ा बहुत ही डेट है रिजल्ट अच्छे खासे है कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है

कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है तो यहाँ पर आ, मुझे नहीं लगता यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा बस यहाँ से ऊपर ही जाना है तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है एक बार एस की लिस्ट निकला तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली शेयर में दोबारा बनती हुई नजर आएगी तो ये पहला शेयर हो गया इसके अलावा हम बात करते हैं एक और शेयर अमरा राजा बैटरी से रिलेटेड तो यहाँ पर अब बात करें अब रहा रहा है, जो बैटरी देखिए इसके एक कर्नाटक की सरकार है आई थिंक आंध्र प्रदेश की सरकार है मेरे माइंड में नहीं आ रहा है बट अगर बात करें वहां से उसे बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं तो उस चैलेंजेस के बेसिस पे इसे प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है कुछ इसके रिजल्ट लास्ट क्वार्टर के अच्छे नहीं आए थे बट इस क्वार्टर की अगर रिजल्ट बात करें तो देखिए ईयरली बेसिस पे अच्छे रिजल्ट है क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है तो यहाँ पर आपको पता है ये ये वाला जो क्वार्टर है ये चैलेंजिंग रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर सेकेंड वेव का इम्पैक्ट था तो बट कंपनी की अगर हम पास परफॉर्मेंस देखते हैं तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ है प्रॉफिट में रिजर्व अच्छे खासे खासे है 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 कंपनी कंपनी लगभग डेट फ्री पर 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 अच्छे एसेट के पास देखिए ने क्या अच्छे खासे शेयर खरीदे एफ आई ने खरीदे हैं इवन बात करें प्रोमोटर्स की सेम यहाँ पर हिस्ट्री रही है पब्लिक जो कि डर जाती है कि शेयर बढ़ दी रहा है तो यहाँ पर बेचना शुरू कर देती है तो बात करें यहाँ पर इसने भी दस परसेंट की होल्डिंग शायद कम कर

से, तो जैन से लेके अभी तक की बात करें तो लगभग छह से सात महीने हो गया है और एक साल अगर बात करें तो जैन तक यहाँ पर वेट कर लीजिए शायद ये यह शेयर यहाँ पर दोबारा पहुँचता हुआ दिखाई दे और अच्छे खा से गेन और नहीं देगा तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्ले करिए ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें लॉन्ग Loss में तो बिल्कुल नहीं बेचना होता, नीचे आते तो बायो करना होता है और लॉन्ग टर्म का व्यू थोड़ा सा रख लेते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये यह ये कम यह जो स्टॉक्स है ये मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक्स है ये स्टॉक्स कोई ऐसे वैसे स्टॉक्स नहीं है यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है इसके अलावा बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की तो हम बात करते हैं देखिए एशियन टाइ ग्रेनिटो जो की टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है काफ़ी बार वीडियो बनाई है बताया है आपको यहाँ पर आज की डेट में वन सेवेंटी की रुपीज के आसपास वन सिक्सटी नाइन के आसपास यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है गिरावट है एक इसके रिजल्ट के बाद से रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखिए ईयरली बेसिस पे सारी कंपनी का अच्छा है बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है इसके पीछे एक रीजन है सारा का सारा यहाँ पर इंडिया बंद रहा है बट कंपनी स्टिल इज इन प्रॉफिट और बात करें कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है ईयरली क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर

यहाँ पर अपने उसमें सेक्टर में अच्छी खासी कंपनी है और ऊपर से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जब प्ले होगा तो यहाँ पर ये कंपनी भागेगी और 183 एटी तो इसकी बुक वैल्यू और इसी के आसपास हमने लिया भी है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर टेक्निकल भी इसी बात बात की तरफ इशारा करते हैं यहाँ पर बार बार अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ इसी लेवल पर आके बार बार यहाँ पर भी रुका था यहाँ भी रुका था पहले एक इस लेवल पर चल रहा था थोड़ा सा यहां पर इस लेवल पर चल रहा है कहीं अपने रिजल्ट तक यहाँ पर आई जाएगा और इस बार के रिजल्ट अच्छे आने हैं डोंट वरी और जब यहाँ पर भागेगा ये शेयर तो अच्छा

िस देखिए रिस्क कम है इस लेवल पर और रिपोर्ट बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर आपको समझना होगा आपको टाइम देना होगा बस थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम दे दिया तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक बेहतरीन यहाँ पर आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे बाकी ये भी कंपनी अच्छी खासी कंपनी है आ, थोड़ा अपडाउन आते रहे बाकी कंपनी पे कोई भी किसी भी प्रकार का डेंट नहीं है एफ आई डी आई ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को इवन बढ़ाया ही है इसके अलावा बात करते हैं दूसरी कंपनी की तो एक और कंपनी है बात करें ब्लू स्टार की आपने देखा होगा हर जगह ब्लू स्टार के ही मोस्टली यहाँ पर ए लगे होते हैं और यहाँ पर ये यह बात करें तो एयर कूलर वाटर प्यूरिफायर कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है बट अगर बात करें कुछ टाइम की तो कुछ टाइम से कंपनी नहीं रही है और यहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है और यहाँ पर ये यह शेयर में अगर बात करें लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट तो हाइस्ट एवर थे इस बार के तो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर सेल हो चुकी थी और यहाँ पर क्वार्टर यहाँ पर कोविड का भी इम्पैक्ट था तो इस वजह से ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा जम थी बट क्वार्टरली बेसिस पर पर गिरावट थी इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इनके प्रॉफिट या फिर सब चीज में यहाँ पर हैम्पर होता हुआ दिखाई दिया बट अगर बात करें ए बी ए कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है इसकी तरफ आप ध्यान ना दे एक बेकार बात होगी एफ आई डी होल्डिंग अच्छी खासी है यहाँ पर सब चीज अच्छा खासा नजर आ रहा है और बात करें ब्लू स्टार की तो ब्लू स्टार आ, हमेशा मैं आपको बताता हूँ जो कंपनी अच्छी खासी कंपनी हो ना जहां पर आपको ग्रोथ ही ग्रोथ नजर आए तो उस कंपनी को हमें जब भी 200 डे 200 डीएमए के नीचे चल रही हो तो यहाँ पर खरीद लेना खरीद लेना चाहिए और जब यहाँ पर फोर्टी या थर्टी के आर एस आई पे भी चल रही हो ना तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कंपनी के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है नीचे जाने के यहाँ पर चांसेस बड़े कम है तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ये सारी की सारी कंपनियां जो मैं आपको बता रहा हूँ सर काफी बेहतरीन है इसके अलावा सी, सी एट आपको पता ही बताइए टायर है, यूज होने तीन चार तो कंपनी है और सी उनमें से एक लीडिंग ब्रांड है सेम यहाँ पर भी रहा है इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है बट ईयरली बेसिस पे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मर रही

बात करें बैटरी की तो दो ही कंपनी अमरा राजा से रिलेटेड पहली बात कर ली है दूसरी कंपनी एक्साइड इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी यहाँ पर 200 हंड्रेड डी के और एज वेल एज 24 के आर पे यहाँ पर चल रही है तो ऐसी कंपनी जब इस लेवल पर आती है ना तो भागती है यहाँ पर पिछले देख लीजिए पूरा का पूरा हिस्ट्री देखिए जब भी नीचे आई है ये कंपनी तो यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है देखिए यहाँ पर नीचे थी अच्छी खासी भागती हुई नजर आई यहाँ पर नीचे थी फिर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया ये शेयर उसके बाद यहाँ पर नीचे थी फिर भागा और या फिर दोबारा यहाँ पर उसी लेवल पर आ है तो कंपनी फिर भागती हुई नजर आएगी आपको डिसाइड करना है कि कंपनी करती क्या है कंपनी है क्या एग्जैक्टली exactly और बात करें यहां पर इसके परफॉर्मेंस की तो ये कंपनी एक माइंड ग्रोइंग परफॉर्मर हमेशा रही है यहाँ पर बात करें इस बार की भी क्वार्टरलीयरली बेसिस पर जंप है क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े बहुत गिरावट है उनके दो बिजनेस में कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर बात करें कंसोलिडेट नंबर है और अगर हम बात करें स्टैंड लॉन नंबर की तो स्टैंड लॉन नंबर भी आप देख सकते हैं कंपनी के अच्छे खासे यहाँ पर कंपनी परफॉर्मर रही है यहां पर इंश्योरेंस सेक्टर भी है इनका एक बिजनेस और एक बिजनेस है यहाँ पर

परसों खरीदूंगा तो मोस्टली क्या होता है हम ऐसा सोचते हैं और बेच देते हैं ना तो अगले दिन से ही भागने शुरू हो जाता है ऐसे मिस्टेक्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये वीडियो बनाई है इस तरीके की मिस्टेक्स मैंने भी करी है तो ये वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं करनी ऐसी कंपनी में ऑन डिप्स कर सकते हैं बेचने की जरूरत नहीं है ग्रीन प्लाई की बात करें हमने यहां पर आसपास वीडियो बनाया था इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें एक अच्छी खासी रैली भी आई है शेयर दस ऊपर भी था और आज की डेट की बात करें दस बारह परसेंट पर नीचे भी है कंपनी फिर दोबारा बता रहा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है भारत का और जैसे

है जो लीडिंग है और आगे दोबारा भागती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा बात करते हैं एक और कंपनी की आ, तो यह है एच डी एफ सी एम सी तो लोग कहेंगे कि क्यों बता रहा हूँ लास्ट टाइम भी बताया था देखिए यहाँ पर ही बताया था उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर बताया था आपको अट्ठाईस के लेवल पर बत्तीस सौ तैतीस सौ जाता हुआ दिखाई दिया था शेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए उस टाइम साफ लिख दिया था स्विंग ट्रेडिंग मैंने नहीं बेचा था बट मैं होल्ड कर सकता हूँ कोई इशू नहीं है मुझे होल्ड करेंगे ये कंपनी एक फ्यूचर के मतलब से कम, मतलब की कंपनी है अभी अच्छे प्राइस पे मिल रही है फ्यूचर में आज से पाँच से दस साल बाद देखेंगे तो शायद आपके पचास पचास और एक लाख को ये करोड़ों में तब कर दे ये उस तरीके की आपको खुद सोचना होगा एक लेवल पर कंसोलिडेट है यहाँ से कब निकल जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा बात करें यहाँ पर एच डी एफ सी एम सी की यहाँ पर दोबारा बताना चाहता हूँ कंपनी लगभग डेट फ्री कंपनी है यहाँ पर आप अगर देखेंगे डेट फ्री कंपनी है रिजर्व्स अच्छे खासे हैं ईयरली बेसिस पे ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस पे भी बात करें कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है एफ आई डी के पास अच्छी खासी होल्डिंग है यहाँ पर तो उन्हें पता है तो उन्हें वो समझदार लोग है तो ले रख के रख रखा है और जो नई इस चीज को समझते तो वो चीज यहाँ पर बेच देते हैं बाकी अगर लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और कंपनी से रिलेटेड बात करूंगा जब जब आपको ये कंपनी गिरती हुई दिखाई दे यहाँ पर खरीद लीजिए ये एक परफॉर्मर रही है कंपनी और यहाँ पर कोविड से रिलेटेड अभी चीजें खत्म नहीं हुई है और जब जब कोविड की द्वारा वेव आने की उम्मीद रहेगी ये कंपनी सबसे आगे बेसिस पे। और, बात करते हैं पर और भी कुछ चीजों की।, की होल्डिंग अच्छी खासी यहाँ पर बनी हुई है बल्कि उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज किया है और अगर हम बात करते हैं पॉलीमेट की तो दो बार अगर बात करें पंद्रह दिन के अंदर ये शेयर दो बार नीचे आता हुआ दिखाई दिया है पॉलीमेट एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ पॉलीमेडिक और इस कंपनी का नाम है देखिए यहाँ से यह, यहाँ से ये यह नीचे आती हुई दिखाई दी यहाँ पर मैंने बाइंग की थी यहाँ से फिर आज की डेट में यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दी आज की डेट में मेरे को मौका नहीं मिला यहाँ पर ऊपर भाग लिया था शेयर अदरवाइज मैं दोबारा खरीदता क्योंकि ये कंपनी नीचे आ रही है तो एक रीजन से आ रही है काफी बार आपको यहाँ पर भी वीडियो बना के दिए यहाँ भी बना के दिए आज दोबारा बता रहा हूँ ये कंपनी काफी बेहतरीन है फिर भागती हुई नजर आएगी फिर आपके हिस्से में नहीं आएगी और आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड करिए तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हम देते नहीं है सिखाते हैं सीखना आपका काम है सिखाना हमारा काम है बाकी आपको क्या करना है वो आप खुद देख डिसाइड करिए ये बेहतरीन स्टॉक्स है छह से एक साल अगर हम इनकी स्टॉक्स में दे देंगे तो तीस चालीस परसेंट क्रेडिट कहीं नहीं गए बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस